हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलजेब्रा के 13 पार्ट्स ले चुके हैं और आज हम लोग अलजेब्रा का 14th पार्ट लेंगे। 14th पार्ट में हम लोग कैट 2004 के क्वेश्चन कवर करेंगे और जितने भी लोग नए नए हमारे चैनल में ऐड होते जा रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप हमारे चैनल में जाके प्रीवियस पूरे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरे के पूरे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग अलजेब्रा में 13 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम लोग 2 पार्ट ले चुके हैं, जिसमें हम लोग कैट 2000 तक के पूरे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है और इसके अलावा कैट 2017 के भी हम लोग सॉल्यूशन ले चुके हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्लॉट के। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि और भी लोग सब्सक्राइब करें और सबकी हेल्प हो पाए। मैं वापस से आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि मेन मोटिव हमारे चैनल को स्टार्ट करने का वो था कि जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी कारण के कारण इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो चाहे एक्सेसिबिलिटी वाला इशू हो, हमारा मेन मोटिव है कि पहले हम उन लोगों की हेल्प कर पाएं। क्योंकि हो सकता है कि उनके पास इतना अमाउंट ना हो कि वो किसी इंस्टीट्यूट में पे कर पाएं। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेन उन लोगों को बताइए जिनके पास फाइनेंशियल इशू हो, जो हैवी अमाउंट किसी इंस्टीट्यूट में ना दे पाते हो, जिससे उनकी हेल्प हो पाए। इसमें हम लोग पूरे टॉपिक कवर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कैट तक मैक्सिमम टॉपिक कवर कर डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए जो लोग एक्सेसिबल नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में या फाइनेंशियल इशू के कारण। दूसरा एक इशू ये था चैनल स्टार्ट करने का कि हम लोग कहीं भी क्लास तो जाते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम के कारण हम सारी चीज़ें सीख नहीं पाते। तो वीडियो में मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा पाऊँ और कई क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे पाऊँ। तो वीडियो में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना, या आपको कोई शॉर्ट ट्रिक समझ नहीं, तो आप बार बार रिवाइंड करके उसको सीख सकते हैं। तो ये दो मेन मोटिव थे हमारे कि हम लोग मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स कवर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों की हेल्प कर पाएँ जो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी इशू के कारण। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेन उन लोगों को ज़्यादा बताइए जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये अच्छा स्कोर ला सकता है किसी भी एग्जाम में। जरूरी नहीं कि वो कैट की भी तैयारी कर रहा हो, वो बैंक की भी तैयारी कर सकता है, वो SSC की भी तैयारी कर सकता है और सब एग्ज़ाम आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो मेरा बस आपसे यही बोलना रहेगा कि आप लोग उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, है ना। और आजकल वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के काफ़ी मेल्स आ रहे हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मेल्स आ रहे हैं। आप लोग अच्छी अच्छी टेस्टिमोनी हमें लिख रहे हैं और आप लोग अपने डाउट भी पूछ रहे हैं, MBA से रिलेटेड पर्सनल डाउट्स भी आपको जो फेस करने पड़ रहे हैं, और जितना पॉसिबल हो सकता है हम उनके रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो आप अपना ऐसे ही प्यार हमें दिखाते जाइएगा। तो आज का सेशन चालू करते हैं। वापस से वही आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद आप हमारा सॉल्यूशन देखा कीजिए और उसमें भी चेक किया कीजिए कि आपकी मेथड लॉन्ग थी कि शॉर्ट थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इफ fx इज इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस p and f0 and f1 are opposite signs, then which of the following is necessarily true? ठीक है, देख लेते हैं। जब फर्स्ट क्वेश्चन में एक सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी माइनस 3। अब बोल रहे हैं कि ये क्या है, अपोजिट साइन के। अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो
तो अगर एक साइन प्लस का रहा तो एक माइनस का होगा, है ना। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू पी माइनस थ्री इज ऑलवेज लेस देन जीरो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर अपोजिट साइन के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, तो अगर लेस देन जीरो है तो पी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी एंड लेस देन क्या होगी, थ्री। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज एन इज एन इंटीजर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इज टू एंड एन क्या 10 to the power 10 से 10 to the power 11 के बीच में। तो अगर हम एन लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 के आगे हम 10 जीरो लगा देते हैं, इससे बड़ा होगा, है ना। तो अगर बड़ा होगा तो आखिरी में एक डिजिट 1 ले लें। सम ऑफ डिजिट्स मुझे क्या चाहिए, 2। तो देखिए इस नंबर में सम ऑफ डिजिट्स 2 आ गए। अब बोल रहे ऐसे कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं इनकी, देखिए 1 यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। टोटल कितनी जगह 1 आ सकता है, 10 प्लेसेस पे। तो 10 केस तो ये हो जाएंगे जब दो डिजिट हमारी क्या रहेंगी पूरे डिजिट में, 1। 10 केसेस में हो गए और इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 2। और एक केस क्या हो सकता है कि नंबर में ये लिखूं 2 के आगे 10 जीरो, एक नंबर ही हो सकता है। तो एक सम ऑफ डिजिट्स का ये भी हो सकता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाए 2, इसके अलावा और कोई केस में ले नहीं ले सक सकता। तो टोटल कितने केस हो गए, 10 प्लस 1 11। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ वाई इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/2 + 1/3 + ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में हर एक दो तीन साल में आ ही जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सबसे बनने चाहिए। थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू क्या दिया, 1/2 + 1/3 + 1/2। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यहां से वापस से रिपीट होना चालू हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई भी टर्म इनफाइनाइट टर्म जाती है तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां से रिपीट हो आप उस वैल्यू को दोबारा वाई लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूँ, वाई। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 + y एलसीएम लेके ऊपर चले जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 6 + 2y + 1 यानी 7 + y। और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y² + 7y = y+3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y² + 6y - 3 = 0। ठीक, आई होप ये आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, 6 + 2y होना चाहिए था इसको। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² + 7y = y+3, तो ये 2y² + 6y - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2 है, लगा देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी मतलब -6 + अंडर रूट b² - 4ac माइनस माइनस प्लस 4 3 12 2 24 अपॉन 2 2 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक चीज में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी से याद करवा दूं, कैट में अगर आएगा तो जब भी इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस भी प्लस माइनस रहता है इसमें आप माइनस वाला साइन मत लीजिएगा। माइनस वाला साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए सब पॉजिटिव वैल्यूज को ही ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। इसलिए अगर ऑप्शन में उन्होंने वो क्या करेंगे, 4 ऑप्शन अगर देंगे तो एक ऑप्शन में प्लस भी लिखा रहेगा, एक ऑप्शन में माइनस भी लिखा रहेगा। तो आप गलती से भी माइनस वाला साइन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 + 60 आएगा। √60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 4 60 होता है, तो 2√15/4। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, y = -3 +
प्लस रूट 15 बाई 2, ये y की वैल्यू आ गई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, काफी आसान था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ। इन नट्स एंड बोल्ट फैक्ट्री वन मशीन प्रोड्यूसेस ओनली नट्स एट द रेट ऑफ 100 नट्स पर मिनट एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एवरी 100 नट्स। पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मशीन वन की बात करता हूं, मशीन वन क्या प्रोड्यूस कर रही है, नट्स। तो एक मिनट में कितने नट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 100, ठीक है। तो 1000 नट्स के बाद उसको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, तो 1000 नट्स के लिए उसको 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, तो हम बोल सकते हैं कि 15 मिनट में कितने नट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1000 नट्स। अच्छा, लास्ट में अगर ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि 9000 पेयर मुझे बनाने हैं नट्स एंड बोल्ट के, तो 9000 में कितना टाइम लगेगा, 15 9 135 मिनट। 135 मिनट्स में मैं 9000 नट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था कैट वालों ने। 9000 नट्स के लिए कभी भी 135 मिनट आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर 100 के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। तो आखिरी के ये जो 5 मिनट होंगे तो ब्रेक वाले होंगे, तो प्रोड्यूस कितनी देर में हो गया होगा, 130 मिनट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नट्स की अगर बात करूं तो 130 मिनट्स लगेंगे मुझे 9000 नट्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बोल्ट्स की बात करते हैं। दूसरी मशीन जो है वो बोल्ट प्रोड्यूस कर रही है किस रेट पे, 75 बोल्ट्स पर मिनट, ठीक है। तो देखिए, मशीन टू जो है ये क्या कर रही है, 75 बोल्ट्स एक मिनट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 10 मिनट का ब्रेक लेगी 1500 बोल्ट्स में, तो 1500 लाने तो 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 20 मिनट्स में क्या होगा, 1500 बोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स लगेंगे 1500 बोल्ट्स बनाने में। इतना क्लियर हो गया होगा। अब 9000 पेयर चाहिए थे, तो इसमें 9000 बनाने के लिए क्या करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 180 मिनट्स लगेगा 9000 बोल्ट्स बनाने में। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, आखिरी के 10 मिनट तो ब्रेक के होंगे, तो माइनस 10 कर देते हैं, तो 9000 बोल्ट्स बनाने में असली में कितने मिनट लगे, ओ सॉरी 170 मिनट्स। अब इन्होंने मिनिमम टाइम पूछा था 9000 पेयर के लिए, तो 170 मिनट्स मुझे लगेंगे, जिसमें क्या होगा, 9000 नट्स भी हो जाए और 9000 बोल्ट्स भी हो जाए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 170 मिनट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप पे भी एक आध आई जाते हैं कैट में, तो अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 170 मिनट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, let fx is equal to ax square minus b mod x where a and b are constants, then at x is equal to 0 fx is, ठीक है। अच्छा, दो चीजें ध्यान रखिएगा इसमें, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर fx की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पैराबोला टाइप का, तो या तो इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का बनेगा। तो अगर इसमें ध्यान दें तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी इनफाइनाइट होगी, अगर पॉजिटिव बन रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये इनफाइनाइट देगा। तो ऑप्शन अगर देखें तो मैक्सिमम वाले तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे वो मिनिमम ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आंसर हम क्या लगाएंगे, या तो सी या डी, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर पाएंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब दूसरी चीज क्या, इस सी या डी में से कोई एक ऑप्शन लगाना है,
ठीक है देख लेते हैं, बोला दोनों ऑप्शन में एज ग्रेटर देन जीरो तो दिया ही हुआ है तो इस पे फोकस ना करें, एज ग्रेटर देन जीरो हो गया ठीक है। अब बी पे बात करते हैं, बी अब ग्रेटर देन जीरो होगा कि लेस देन जीरो होगा, मेन चीज इसमें यही कि ग्रेटर देन जीरो लगाऊं कि लेस देन जीरो लगाऊं। तो इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि अगर बी मेरा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है ना, बी अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है और अगर मैं बी की कुछ ज्यादा ही बड़ी वैल्यू ले लूं जिससे कि ओवरऑल एफएक्स मेरा जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो अगर मेरा ओवरऑल एफएक्स नेगेटिव आ गया तो फिर ये मिनिमम वैल्यू नहीं दे पाएगा, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा ठीक है, तो हमारी कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी है ना, क्योंकि इसमें फिर मिनिमम नहीं आ पाएगी, मिनिमम में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट मुझे पॉजिटिव वाला ही चाहिए तो बी को मेरा क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा। बी लेस देन अगर जीरो होगा तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का पैराबोला बनेगा और इसमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर, बी क्या होगा लेस देन जीरो एंड ए क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ, ईच फैमिली इन अ लोकेलिटी हैज एट मोस्ट टू एडल्ट्स, ठीक है दो एडल्ट से ज्यादा नहीं होंगे, एंड नो फैमिली हैज फ्यूअर देन थ्री चिल्ड्रन, किसी भी फैमिली में तीन से कम चिल्ड्रन नहीं होंगे। कंसिडरिंग ऑल द फैमिलीज टुगेदर देयर आर मोर एडल्ट देन बॉयज, ठीक है एडल्ट क्या बोल रहे हैं ज्यादा है बॉयज से, बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से एंड गर्ल्स ज्यादा है फैमिलीज से, देन मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फैमिलीज इन द लोकेलिटी इज, ठीक है सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि मिनिमम फैमिली है एक ही फैमिली है, अच्छा अगर एक ही फैमिली है गर्ल्स फैमिली से ज्यादा होंगे तो मिनिमम दो गर्ल्स हो सकती हैं ठीक है, बॉयज ज्यादा होंगे गर्ल्स से तो बॉयज मान लेते हैं तीन है, अगर तीन बॉयज हैं तो एडल्ट ज्यादा है बॉयज से तो चार एडल्ट कम से कम होने चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा कितने एडल्ट हो सकते हैं दो, तो पहला केस क्या हो गया रिजेक्ट हो गया ठीक है, चार एडल्ट आ गए उसमें। मैं दो फैमिली लेके देख लेता हूँ, दो फैमिली होंगी तो तीन गर्ल्स कम से कम होनी चाहिए, तीन गर्ल्स हो गई तो कम से कम फोर बॉयज होने चाहिए, फोर बॉयज हो गए तो कम से कम फाइव एडल्ट होने चाहिए। अगर एक फैमिली में मैं दो एडल्ट भी मान लूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं चार एडल्ट ले सकता हूँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था एटमैक्स में दो एडल्ट ले सकता हूँ, तो अगर दो फैमिली है तो चार एडल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकते, लेकिन इधर एडल्ट कितने आ रहे हैं पांच, तो ये केस भी गलत हो गया है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन था अगर इस तरीके से आप लोग करोगे तो। अब मान लेता हूं मैं तीन फैमिली है, तीन फैमिली में चार गर्ल्स हो सकती हैं टोटल तीन से ज्यादा, चार गर्ल्स ले लूं तो पांच लड़के ले सकता हूं और एडल्ट कितने ले लेता हूं छह, ये कंसीडर करके देख लेता हूं। अच्छा तीन फैमिली है तो मैक्सिमम कितने एडल्ट हो सकते हैं, एक फैमिली में दो भी मानूं तो छह, तो ये तो छह पॉसिबल हो रहा है ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इन्होंने क्या कहा था, नो फैमिली हैज फ्यूअर देन थ्री चिल्ड्रन ठीक है, तो देखिए टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए नौ है ना, फाइव प्लस फोर नाइन, और अगर एक फैमिली में तीन चिल्ड्रन मान भी लूं मैं है ना, तो तीन फैमिली में नौ चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो ये केस भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला जो मैंने तीन फैमिली वाला केस लिया इसमें हर कंडीशन उनकी जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थ्री फैमिलीज। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल था। सेवंथ देख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर पेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इज, इंटीजर पेयर पूछा है, सिंपल है, अगर एक्स को मैं जीरो और वाई को भी जीरो ले लूं तो एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर देगी, एक एक्स को आप टू ले लो और वाई को भी टू ले लो, तो टू प्लस टू फोर और टू इंटू टू भी फोर, तो सेवंथ में कितने केस बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा टू। ये तो था, ये क्वेश्चन काफी सिंपल था तो ये हमने जल्दी से इसे कर दिया, लेकिन इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी अप्रोच बता देता हूँ, थोड़ी सी लॉन्ग अप्रोच है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरी टर्म एक साइड ही लिख लीजिए, जैसे एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा वाई माइनस वन, फिर माइनस वन कॉमन ले लीजिए अंदर क्या बचेगा वाई माइनस वन, वाई माइनस वन ही बना दीजिए, तो ओवरऑल एल एच एस में एक वन एक्स्ट्रा आ गया, तो आर एच एस में भी वन लिख दीजिए
है ना इक्वल करने के लिए। फाइनली क्या आ गया, x माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू वन। हमेशा ध्यान दीजिएगा इस टाइप से आप लोग इक्वेशन बना लिया कीजिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे कैट में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, वन। तो वापस से वो भी इसमें भी ये दोनों वैल्यू रखूंगा तो यही तो इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटा था तो हमने शुरू में 0 0 2 2 रख दिया था, लेकिन अगर कोई उटपटांग क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले ऐसे सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद वैल्यू रखना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया था, 2। एट्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कैट में, यू इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर माइनस 6 लॉग एक्स बेस 2 प्लस 12। एक्स बोल रहे हैं रियल नंबर है, तो एक्स टू द पावर यू इज इक्वल टू 256। इसमें बताने सॉल्यूशन कितने होंगे, ध्यान से इसका सॉल्यूशन कॉपी कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें, x की पावर u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 256, इसका लॉग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा u log x इज इक्वल टू 256 क्या होता है 2 टू द पावर 8, इसका लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा 8 log 2। अब मुझे ऊपर वाले इक्वेशन के हिसाब से बनाता हूँ, log x बेस में 2 चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 8 बाय u। तो 8 बाई यू क्या हो गया, लॉग एक्स बेस में 2, ये वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो u इज इक्वल टू 8 बाई यू का स्क्वायर मतलब 64 बाय यू स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 बाई यू यानी 86 48 बाय यू प्लस 12। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूं तो फाइनली क्या आ जाएगा, यू क्यू माइनस 12 यू स्क्वायर प्लस 48u माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अगर ध्यान दें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो फर्स्ट टर्म में मुझे u क्यूब दिख रहा है, लास्ट टर्म में मुझे माइनस 4 का क्यूब दिख रहा है, तो एक अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो हो सकता है कि ये u माइनस 4 का होल क्यूब हो। सॉल्व करके देख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब u क्यूब सही है, माइनस बी क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 1 सही है, माइनस 3 ए स्क्वायर बी, तो माइनस 3 ए स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया, बी है 4, 4 3 से 12 ये भी सही है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 ये भी सही है। मतलब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये कहता है u माइनस 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर x ऑप्शन 2। जिसमें ध्यान दीजिएगा, कई बार कई बच्चे क्या होता है जल्दबाजी में देखते हैं कि यार क्यूबिक इक्वेशन बन रही तो 3 सॉल्यूशन होंगे, कैट में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत लगाइएगा जब तक पूरा सॉल्व ना कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्यूबिक देख के 3 लगा दिया होता तो आप ऑप्शन कोड लगाते और आपका गलत हो जाता। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th और 10th क्या लिखा हुआ है, f1x है x अगर x 0 से 1 में है, 1 है अगर x is greater than 1 है, 0 है otherwise, ठीक है। f2x दे रहा है f1 of minus x, f3x दे रहा है minus of f2x, f4x दे रहा है f3 of minus x, ठीक है। इसमें काम करता हूँ कि इन्होंने f1 के लिए 3 कंडीशन दी थी, मैं भी 3 कंडीशन मान लेता हूँ। एक मैं x की ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 जो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। एक मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1 ही ले लेता हूँ, ग्रेटर देन 1 चाहिए तो एक काम करता हूँ 2 ले लेता हूँ, और एक x की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ नेगेटिव ले लेता हूँ तो मैं माइनस 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये तीन वैल्यू में मैं f1 f2 f3 और f4 निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो f1x क्या हो जाएगा, f1 1/2 इज इक्वल टू, अगर 1/2 है तो इसकी वैल्यू x होगी यानी 1/2 होगी। f2 1/2 क्या होगा, f1 ऑफ माइनस 1/2, ठीक है। तो f1 ऑफ माइनस 1/2, माइनस पे तो f1 क्या दे रहा है 0, तो f2 1/2 क्या हो जाएगा 0। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। f3 1/2 देख लेते हैं, F3 1/2 क्या दे रहा है, माइनस ऑफ F2 1/2, और F2 1/2 तो 0 था तो F3 1/2 भी क्या हो जाएगा 0।
अब एफ फोर वन बाय टू देख लेता हूं, ठीक है। एफ फोर वन बाय टू क्या होगा, एफ थ्री माइनस वन बाय टू, ठीक है। अब एफ थ्री माइनस वन बाय टू अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एफ टू माइनस वन बाय टू। अब एफ टू वन बाय टू क्या होगा माइनस में, माइनस ऑफ एफ वन माइनस और माइनस प्लस वन बाय टू, और एफ वन वन बाय टू कितना है वन बाय टू, तो एफ फोर जो वन बाय टू होगा वो क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू, ठीक। ये क्या क्या मैंने एक्स वन बाय टू पे एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर निकाल लिया, ऐसे ही एक्स टू पे निकाल लेता हूं। एक्स टू पे क्या होगा, एफ वन टू वन हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन वन पे वन चाहिए। अब एफ टू वन एफ टू टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ वन ऑफ माइनस टू, और माइनस में तो ये जीरो दे रहा है तो एफ टू टू क्या हो जाएगा जीरो। एफ थ्री टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ टू टू, एफ टू टू जीरो है तो ये भी जीरो। एफ फोर टू क्या हो जाएगा, एफ फोर टू ये क्या होगा एफ थ्री माइनस टू, और एफ थ्री माइनस टू क्या होगा माइनस ऑफ एफ टू माइनस टू, और एफ टू माइनस टू क्या होगा माइनस ऑफ एफ वन टू, और एफ वन टू की वैल्यू क्या थी वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन। तो एफ फोर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, ठीक है। आखिरी क्या देख लेते हैं, एक्स माइनस टू पे देखिए दो क्वेश्चन थे, अगर इसमें आपके दो तीन मिनट में भी हो गया तो आपके दोनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब एफ वन माइनस टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब एफ टू माइनस टू देख लेता हूं, F2 माइनस टू क्या हो जाएगा F ऑफ टू। अब F1 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 2 में पहले से ही 1 निकाल चुका हूं तो यहां पे 1 लिख देता हूं बिना सॉल्व की। ऐसे F3 माइनस टू, F3 माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ F2 माइनस टू, माइनस ऑफ F2 माइनस टू, F2 माइनस टू क्या है 1, तो F3 माइनस 1 2 क्या हो जाएगा माइनस 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब एफ फोर माइनस टू निकाल लेता हूं, एफ फोर माइनस टू क्या होगा एफ थ्री टू, एफ थ्री टू क्या होगा माइनस ऑफ एफ टू टू। एफ टू टू की वैल्यू में निकाल चुका था तो पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जीरो आई थी ये दिख रही है, तो यहाँ पे एफ फोर माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए यहां से मैंने तीन पॉसिबल केस लेके एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर सब में निकाल दिए, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए इनके, चलो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नेसेसरली जीरो फॉर एवरी एक्स, इन्हें तीनों केस में मैं देख लेता हूं इनमें से कौन कौन जीरो देगा। पहला बोला एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन एफ टू इसमें जीरो दे रहा है पहले केस में, सही है। एफ वन एफ टू दूसरे में भी जीरो दे रहा है, एफ वन एफ टू तीसरे में भी जीरो दे रहा है, तो ये तो सही है, ये हमेशा जीरो देगा हर वैल्यू पे एक्स की। एफ टू एफ थ्री देख लेता हूं, एफ टू एफ थ्री पहले केस में जीरो दे रहा है, एफ टू एफ थ्री दूसरे केस में जीरो दे रहा है, एफ टू एफ थ्री तीसरे केस में जीरो नहीं देख रहा। देखिए यहाँ पे वन है यहाँ पे माइनस वन है तो इनका प्रोडक्ट माइनस वन हो जाएगा, तो ये जो एफ टू इंटू एफ थ्री ये हर वैल्यू पे जीरो नहीं दे रहा। अब एफ टू एफ फोर देख लेता हूं, एफ टू एफ फोर पहले केस में जीरो देगा, एफ टू एफ फोर दूसरे केस में जीरो देगा, एफ टू एफ फोर तीसरे केस में भी जीरो देगा क्योंकि एफ फोर जीरो आ रहा है, तो ये भी हर केस में जीरो देगा। तो टोटल कितने आ रहे हैं दो, तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री टू। आई होप क्लियर हुआ होगा। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, एफ फोर एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स फॉर ऑल एक्स। देखिए एफ वन इसमें वन बाय टू था और एफ फोर था माइनस वन बाय टू पहले केस में, तो पहले ही गलत हो गए तो आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, f1x is equal to f3 of minus x minus में, तो देखिए f1 1 by 2 अगर था 1 by 2, ठीक है, तो f3 minus 1 by 2 क्या minus 1 by 2, इसमें minus का साइन लगाऊंगा तो plus 1 by 2 हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं,
पहले में देखे नहीं लिखा हुआ है अगर, है ना। दूसरे केस में एफ टू, एफ टू वन है तो एफ थ्री माइनस टू क्या है, माइनस वन, ठीक। तो माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये भी प्लस वन हो जाएगा, सही है। अब तीसरे केस में एफ ऑफ माइनस टू जीरो है तो एफ थ्री टू भी जीरो है, ये यहां पे दिख रहा है, ठीक। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ये तीनों केस में सही हो रहा है तो ऑप्शन टू। ऑप्शन थ्री और फोर फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जिनको इच्छा वो ऊपर मैंने पूरे केस बना के रखे ही है, ये रहे, इसमें वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लें और टेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा टेंथ क्वेश्चन भी। तो कैट 2004 जो था उसमें 10 क्वेश्चन ही थे अलजेब्रा के, अब जो कैट आएंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या था कि कम होते गए, तो आगे आपको जितने भी वीडियो देखने को मिलेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे, बस धीरे धीरे उनका लेवल हाई होते जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको हर इसमें अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया हुआ होगा, और वापस से मैं आपको याद दिला दूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी ज्यादा वीडियो बना पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।